नमस्कार दोस्तों, हिंदी सिनेमा के साथ साथ और फिल्में कुछ हटके आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं जिस फिल्म का जिक्र करने जा रहा हूं वो एक वेल एक्टेड, इंटेंस, एक अच्छी कहानी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को हम संजय दत्त की वापसी के नाम से भी जानते हैं और वो फिल्म है जी हां वास्तव 9 अक्टूबर 1999 को रिलीज 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म के निर्देशक थे महेश मांजरेकर। महेश मांजरेकर की कहानी भी थी और महेश मांजरेकर ने इसमें स्क्रीन प्ले भी किया। इसके अलावा इसके संगीतकार थे जतिन ललित। हर तरफ है ये शोर आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला। आइए बात करें इसी कहानी पर। कहानी बेसिकली एक सच्चाई पर आधारित है, यानी कि एक सिंपल सीधा साधा अनएम्प्लॉयड यूथ लड़का जो सिद्धांतवादी है किस तरह बिगड़ जाता है। कोशिश करता है काम करने की, वो पाव भाजी का स्टॉल लगाता है, सक्सेस भी मिलती है, लेकिन फिर माहौल ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोगों के संपर्क में आता है और फिर बिगड़ जाता है, उससे कुछ मर्डर हो जाता है और फिर उसकी लाइन छीन जाती है। तो किस तरह एक सीधा साधा इंसान इस दुनिया के चक्रों में फंसता चला जाता है और उसका अंत क्या होता है। संजय दत्त को इस फिल्म से बहुत नाम मिला। एक तरीके से उसकी जबरदस्त वापसी हुई, उसके साथ साथ उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन प्ले अवार्ड और कई अवार्ड जीते फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर द ईयर 1999। रोज कहता है मेरे को, बाबा चौपाटी लेके जाओ ना, बाबा आइसक्रीम खिलाओ ना, बाबा पिक्चर दिखाओ ना। अरे कैसे लेके जाऊं तुझे, मैं खुलेआम नहीं घूम सकता तो तुझे कैसे लेके जाऊं। मोनीश बैल जो संजय दत्त के बड़े भाई बने, उनकी मिसेज एकता बहन, दोनों रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ ने इस फिल्म में हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया, यानी कि रियल कैरेक्टर्स और फिल्मी कैरेक्टर एक ही रहे, मोहनीश बहल और एकता बहल। घर छोड़ के जा रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ता तोड़ के जा रहा हूँ, रुपए भेजते रहूंगा ना महीने के महीने। ये क्या कह रहे हो विजय, हम माँ और बाबा के बिना कहीं नहीं जाएंगे। वो जाना चाहता है ना, जाओ तुम। शांता, इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर हीरोइन है। इससे पहले उर्मिला मातोंडकर से बात हो रही थी पर वो बात नहीं बन पाई और अल्टीमेटली ये रोल शिल्पा ने किया, अच्छा रोल किया। क्या हुआ, करंट लग गया क्या? तेरे को तो बुखार है। तो अब क्या डॉक्टर लाके इलाज करवाएगा मेरा जो काम कर। इसमें ज्यादातर एक्टर थिएटर से थे या मराठी फिल्मों से थे। रीमा लागू का इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था जो संजय दत्त की माँ बनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि रीमा लागू और संजय दत्त में सिर्फ 1 साल का एज डिफरेंस था, लेकिन उन्होंने इसमें माँ का किरदार अदा किया और शानदार किया और उनको उस साल फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। छुटकर देना माँ, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी। इस फिल्म में कश्मीरा शाह का भी एक आइटम नंबर था जो काफी मशहूर हुआ। Hey!
महेश मांजरेकर की ये डेब्यूट फिल्म थी, पहली फिल्म थी, और इस फिल्म को कनाडा में थिएट्रिकल रिलीज भी किया गया। महेश मांजरेकर ने भी बॉक्स ऑफिस सक्सेस को पहली फिल्म से ही जबरदस्त तरीके से देखा। आप एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी स्टोरी, एक अलग तरह की स्टोरी, शानदार एक्टिंग देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। मैं इसको रिकमेंड करता हूं। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देता हूं। आप ये फिल्म जरूर देखिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई अनोखी फिल्म के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।